हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप मेरा वीडियो जब भी देख रहे हो उस चीज़ के लिए मेरा सादर वंदन है। देखिए, क्या मैंने कल वीडियो देखा? क्या आपने नई मूवी देखी? क्या आपने KGF 2 देखी? हाँ, हमारा कैमरा मैन हाथ में ला रहा है, हाँ उसने देख ली है, तो शायद आप लोगों ने भी देख ली होगी। तो देखिए, क्या क्या सेंटेंसेस हमें बनाने हैं, यानी हमें इंटरोगेटिव पे काम करना है। इंट्रोगेटिव अगर आप लिखेंगे तो स्पेलिंग गलत होगी, इसे इंटेरो पढ़िए तो आपकी स्पेलिंग सही हो जाएगी। हम पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस का इंटरोगेटिव, वो भी किसका? सिंपल का। इसमें आपको कुछ भी अकलाकारी नहीं करनी है। डिड को आपको सबसे पहले रखना है, डिड को आपको सबसे पहले रखना है। फिर जो भी कोई काम कर रहा होता है उसको रखना है। फिर जो काम कर रहे होते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, गाना सोना, सब इसमें आ जाएगा। और फिर जिस पर काम कर रहे होते हैं फिर हम उसको लिख देंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका सेंटेंसेस बिल्कुल क्लियर हो गया है। क्या आपने फिल्म देखी? क्या मैंने खाना खाया? क्या उसने किताब खरीदी? अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थाती थे नहीं है, गागी गे नहीं है, हैं हूँ हो नहीं है। क्योंकि पहली बात है कि पास्ट है तो थाती थे वाला ही सेंटेंस होगा, यानी ये ऐसी बात हो रही है कि जिस जो काम हो गया है उस पर बात हो रही है। क्या आपने फिल्म देखी? ये क्वेश्चन, क्या आपने फिल्म देखी, ऐसा करके पूछते हैं। क्या तूने फिल्म देखी? क्या आपने फिल्म देखी, ऐसा करके। क्या आपने फिल्म देखी? तो क्या हो जाएगा हमारा? डिड सबसे पहले में लगाना है। कौन काम कर रहा है? आप, यानी यू। क्या यू, डिड यू देखना के लिए वॉच मूवी? क्वेश्चन मार्क अगर लिख रहे हैं तो बोल रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। डिड यू वॉच मूवी? क्या मैंने खाना खाया? तो डिड क्या हो जाएगा? आप बनाइए इसको। अगर आप नोटबुक लेके बैठते हैं, कई लोग कहते हैं कि सर हम आप जब पढ़ाते हैं तो हमें नोटबुक लेके बैठते हैं, बहुत अच्छी बात है, अगर आप ऐसा करते हैं तो इंग्लिश बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो डिड आई ईट यानी खाना, क्रिया, और फूड यानी भोजन जो थाली में रखा हुआ है। तो डिड आई ईट फूड, क्या मैंने खाना खाया? क्या मैंने खाना खाया? क्या आपने खाना खाया? क्या उसने खाना खाया? क्या हमने खाना खाया? ऐसा करके सेंटेंस बनता है। क्या उसने किताब खरीदी? तो डिड उसने, ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने का मैंने वीडियो में पूछा भी था कि उसने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देख लीजिए। डिड ही या सी, जो भी आप यूज़ करना चाहो कर सकते हैं। डिड ही बाय यानी खरीदना, या परचेज यहाँ पे आ सकता है। डिड ही परचेज बुक, ए लगा सकते हैं। मैंने आपसे कई बार कहा है ए एन दा को बहुत ज़्यादा दिमाग में अभी ना लें, क्योंकि हम लोग शुरू से सीख रहे हैं इंग्लिश, और जो मेरे वीडियोस हैं वो वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं। ये मैं कई बार कहता हूँ, कॉम्पिटिशन लेवल की वीडियो ये नहीं है। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो फिर मेरे दूसरे वीडियोज़ हैं, आप उनको देखें। जो मेरी एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश सीखें 90 दिनों में, तो उस प्लेलिस्ट में उन लोगों के लिए वीडियो है जो बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीख रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो अब आप घर पे, आपको प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 10 सेंटेंसेस बनाने हैं और एक सेंटेंस आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। और एक महत्वपूर्ण बात कि कई लोगों के मेरे पास जो फ़ोन मैसेजेस व्हाट्सएप आते हैं कि सर हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप जो बेनिफिट्स है वो करते रहिए, दूसरों को भी कराते रहिए, क्योंकि लैंग्वेज है। और इन गर्मियों का फ़ायदा उठाइए, समय का फ़ायदा उठाइए। अभी जो गर्मियाँ चल रही हैं, अभी आपके पास स्कूल बंद होने वाले हैं, कई लोगों के स्कूल बंद हो गए हैं, 2 महीने का आपके पास समय है, कोशिश कीजिए इन 2 महीनों में आप इंग्लिश को अपनी बेहतर कर लें। नहीं तो अगली बार फिर वही रोना, आप जो हर बार
बार कहते हैं अगली बार हम सीख लेंगे, तो अगली बार कब? इसी बार। अभी डायलॉग ना दें कि अगली बार, आप कोशिश करें कि इसी बार सीखते रहिए, और भी कोई अगर डाउट है तो आप हमसे पूछते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।